दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि मोबाइल फ़ोन के अंदर बैकग्राउंड में चल रहे एप्लीकेशन को बंद कैसे करते हैं, और दोस्तों जो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं उनसे हमें क्या क्या नुकसान होता है, सारा सब कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों कैसे इसे बंद करेंगे सेटिंग की मदद से, वो भी हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर नुकसान के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले कि जैसे कि मान लो दोस्तों ये मैंने MX प्लेयर को ओपन किया, तो दोस्तों ये जो बैकग्राउंड में ये एप्लीकेशन है ना, एक बार ओपन कर दिया तो ये बैकग्राउंड में ये चलता रहता है जब तक दोस्तों हम इसे बंद नहीं करेंगे। इसी तरह से दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर फेसबुक यूज करते हो, व्हाट्सअप यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, यूट्यूब को यूज करते हो, बहुत ढेर सारी एप्लीकेशन, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे नुकसान होते हैं। क्या क्या नुकसान होता है? फर्स्ट नंबर का जो नुकसान होता है, एक तो आपके मोबाइल फ़ोन का जो इंटरनेट डेटा है, आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा कि आपने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर कुछ भी नहीं चलाया, बट दोस्तों आपका जो इंटरनेट डेटा है ना वो दोस्तों कुछ परसेंट खर्च हो गया, तो दोस्तों वो इसी वजह से होता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा नुकसान होता है, आपका मोबाइल फ़ोन का बैटरी दोस्तों उस पर लोड पड़ता है, जिससे कि दोस्तों बैटरी भी खपत होती है। यहाँ पर तीसरा नुकसान है कि दोस्तों जैसे कि मान लो आपने एक साथ कई सारे एप्लीकेशन को चला लिया और उसे बैकग्राउंड में बंद नहीं किया, स्टॉप नहीं किया, तो दोस्तों आपके जो मोबाइल फ़ोन के जो एप्लीकेशन अंदर है ना वो स्लो ओपन होंगे, यानी कि दोस्तों स्टार्टिंग में तो ठीक ठाक चलेगा बट दोस्तों वो धीरे धीरे आपके मोबाइल फ़ोन को स्लो कर देगा, साथ ही साथ गर्म भी होने लगेगा और दोस्तों हैंग की भी प्रॉब्लम आने लगेगी। तो दोस्तों इन सब से हम लोग निपटने के लिए इसका सोल्यूशन है एक मेरे पास, जो कि दोस्तों आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों इसका सोल्यूशन पाने के लिए आप लोगों को सेटिंग के अंदर आने हैं, अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर दोस्तों सेटिंग को ओपन करना। और दोस्तों जो मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ हर किसी के मोबाइल फ़ोन में होता है, चाहे दोस्तों आपका मोबाइल फ़ोन किसी भी कंपनी का हो, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, चाहे दोस्तों MI कुछ भी हो, दोस्तों रियलमी, इन्फिनिक्स, कोई सा भी मोबाइल फ़ोन हो, सब में होता है। दोस्तों आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर बिल्ड नंबर को ढूंढना है, जो कि दोस्तों आप सभी को पता है कि बिल्ड नंबर आपको नहीं मिले तो कैसे आपको इसे ढूंढने हैं, या तो दोस्तों अबाउट फ़ोन के अंदर होगा या दोस्तों एडिशनल सेटिंग के अंदर होगा। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि ना मिले तो दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पे BUILD इस तरह से लिखोगे तो दोस्तों ये मिल जाएगा। दोस्तों इस पर टैप करने हैं और आपको बिल्ड नंबर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 7 बार इस प्रकार से टैप करने हैं, और दोस्तों 7 बार यहाँ पर इसे टैप करोगे तो दोस्तों आपका जो मोबाइल फ़ोन में डेवलपर मोड है ना दोस्तों वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे इसे सिंपल सा बैक कर देते हैं। और दोस्तों डेवलपर ओपन कहाँ मिलेगा? ये आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर एडिशनल सेटिंग के अंदर मिलेगा। और यहाँ पे ना मिले तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ से सर्च कर सकते हो बैक करके, और आप यहाँ से डेवलपर मोड यहाँ पर लिखोगे डेवलपर तो आपको ये मिल जाएगा। इस तरह से आप लिखोगे तो डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको डेवलपर मोड यहाँ पे ऑन है, इसे ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद देखिए दोस्तों इसके अंदर आपको एक सेटिंग को बंद करनी है, जो कि आपको यहाँ पे देख सकते हो आपको स्लोली दोस्तों आपको नीचे आना है, काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे दोस्तों जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चलते रहते हैं ना दोस्तों, उन्हें यहाँ से बंद कर देना है। अब दोस्तों आप यहाँ पे एप्स के अंदर आओगे और आपको यहाँ पे 2 नंबर पे एक सेटिंग मिलेगा, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। तो दोस्तों आपको यहाँ पे इस प्रकार से टैप करना है। अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे ढेर सारे सेटिंग मिल जाते हैं, करीब 6 सेटिंग। सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कि ये सेटिंग है क्या, यानी दोस्तों आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट मिलता है, नो बैकग्राउंड प्रोसेस मिलता है, और एट फर्स्ट 1 प्रोसेस, यानी कि दोस्तों अगर आप इस पर क्लिक करते हो, अगर आप फर्स्ट पे क्लिक कर देते हो तो यानी कि दोस्तों आपके जो मोबाइल फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन होगी ना एक ही सिर्फ बैकग्राउंड में रन करेगी, बाकी दोस्तों सबको स्टॉप कर देगा। और यहाँ पे दोस्तों नो बैकग्राउंड प्रोसेस कर दोगे तो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई सी भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन नहीं करेगी। बट दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, आपको दोस्तों स्टैंडर्ड लिमिट पे क्लिक रखना है, आपको स्टैंडर्ड लिमिट पे क्लिक रखना है यहाँ पे। और दोस्तों हो सकता है ये सेटिंग आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर ऑलरेडी ऑन हो, बट दोस्तों ऑन नहीं होगा तो आपको स्टैंडर्ड लिमिट पे क्लिक रखना है। दोस्तों यहाँ पे इसके फायदे भी हैं कि दोस्तों कई सारी एप्लीकेशन होती है ना जो कि दोस्तों हमें ज़रूरत भी होता है कि वो बैकग्राउंड में रन करे। अब दोस्तों इतना तो हो गया, यहाँ से आपको ये सेटिंग कर लेनी है। अब दोस्तों इसके बाद भी और आपको एक सेटिंग करनी है, जिससे कि दोस्तों आपके जो मोबाइल फ़ोन के अंदर बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चल रहे होंगे वो बंद हो जाए। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर 2 सेटिंग मिल जाता है, आप 2 तरीके से आप इसको बंद कर सकते हो। एक तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको ऐप इन्फो के अंदर मिल जाएगा ये सेटिंग,
और दूसरा सेटिंग दोस्तों आपको यहाँ पे सेटिंग के अंदर आओगे, सेटिंग के अंदर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट या दोस्तों ऐप लिस्ट होगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जो भी दोस्तों जो सारी की सारी एप्लीकेशन एक जगह इकट्ठा रहती है वो लिस्ट ओपन करना है ऐप लिस्ट के अंदर। और दोस्तों आपको जो भी एप्लीकेशन है जो बैकग्राउंड में रन कर रही है आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर, जैसे कि दोस्तों फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सअप हो गया, दोस्तों जो बड़ी बड़ी फाइलें हैं ना, आपको दोस्तों उन्हें क्या काम करना है कि उन्हें फोर्स स्टॉप यहाँ से कर देना है, यहाँ से फोर्स स्टॉप कर देना है। अब दोस्तों इतना कर देने से ना ये दोस्तों बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन रन हो रहा था ना ये दोस्तों फ़िलहाल के लिए बंद हो चुका है। तो दोस्तों ये तरीका आजमा सकते हो। और दोस्तों आपको यहाँ पे क्लियर वगैरह नहीं करना है, नहीं तो दोस्तों आपके वो जो भी सोशल साइट है ना उनके सारे के सारे डेटा जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। अब दोस्तों इतना जो मैंने आपको सेटिंग बताया यदि आप कर देते हो तो दोस्तों जो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन कर रहा है ना वो दोस्तों स्टॉप हो जाएंगे। सो दोस्तों आई होप कि जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो जानकारी दिया है दोस्तों पसंद आई होगी। तो लाइक करना इस वीडियो को, कमेंट करना एक प्यारा सा, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।